नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तक पर। मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। मित्रों, आज हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कौन सी सरकार बनने जा रही है, यानी कि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, जैसा कि सर्वविदित है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनके जो एंटी पार्टी अर्थात कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भूपेश बघेल वहां से उम्मीदवार हैं, तो दोनों की ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं या फिर उनके सर्वे सर्वा यानी कि बीजेपी के जो सर्वे सर्वा हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा हैं यानी कि माननीय श्री राहुल गांधी जी, दोनों की पत्रिकाएं हमारे पास हैं। लेकिन आपको बता दूं, जन का एग्जैक्ट समय ना होने की वजह से हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्र कुंडली के आधार पर ही आप लोगों से सभी बंधु माताओं बहनों को बताने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि सितारे किसके फेवर में जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए किसी बड़े ग्रह का वक्री होना या फिर बड़े परिवर्तन के लिए किसी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होना काफी जरूरी है। तो लगभग 11 दिसंबर को ये नतीजे आने हैं और उस वक्त जो है ऐसा कुछ खास मेजर जो है ग्रहों का परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बता दूं, जो रमन सिंह की जो पत्रिका है जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं, वो चंद्रकुंडली के आधार पर यहां पर सिंह लग्न की पत्रिका बन जाती है, यानी कि चंद्रमा इनका सिंह राशि में, तो चंद्रकुंडली हो गई सिंह लग्न की। यहां से मान के चलिएगा चतुर्थ भाव के अंदर गोचर में बृहस्पति का गोचर करना और इनका ऑलरेडी स्वराशि का शुक्र और बुध तृतीय भाव के अंदर, यानी हर तरीके से अपनी एंटी पार्टी के ऊपर ये भारी। अब रहा चंद्रकुंडली से षष्ठ भाव अर्थात छठे भाव के अंदर मकर राशि का बैठा हुआ है राहु, तो ऐसे में शत्रुओं का दमन करने के लिए 3, 6 और 11 का राहु हमेशा शुभ माना गया है। इसके एंटी यानी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं भूपेश बघेल, वो 23 अगस्त 1961, यहां हमारे पास टाइम का अभाव है तो हमने यहां इनकी भी चंद्रकुंडली बनाई। ये चंद्रकुंडली जो बनी ये धनु राशि की चंद्रकुंडली बनी, धनु लग्न की पत्रिका हमने यहां तैयार कर ली। तो स्वयं चंद्रमा पर यहां पर शनि जो है 7.5 लिए हुए हैं और हर तरीके से तृतीय भाव, माफ कीजिएगा, इनके छठे भाव के अंदर जो है कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है और इनका सस्टेश सप्तम भाव के अंदर है और मिथुन राशि के अंदर सप्तम भाव के अंदर शुक्र विराजमान है। तो हर तरीके से ये योग बन जाता है और तृतीय और नवम भाव इनका राहु केतु के एक्सेस में होने से और सूर्य राहु की नवम भाव के अंदर युति होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ इनका कोई मित्र सखा बंधु ही इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करवा सकता है। तो ऐसे में ये रहेगा नतीजा। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की कुंडली है, वहां पर स्वयं बृहस्पति देव विराजमान हैं, गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा मंगल का एक राजलक्ष्मी योग है यहाँ पर और रोचक योग ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है जो हर तरीके से इनको आगे ले जा रहा है। लग्न के अंदर और गोचर के अंदर और राशि पर यदि बृहस्पति आ जाए तो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम अवश्य दे देता है। और राहुल गांधी की जो कुंडली है उसके बारे में भी आपको बता दूं, मकर लग्न की ये पत्रिका, लग्ने स्वयं 12वें घर के अंदर और नीच का शनि चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव आप जान लीजिए जनता का भाव होता है। यहां पर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर कुंभ राशि का जो है बृहस्पति है, यहां राहुल गांधी जी की कुंडली के अंदर जो है नीच का शनि है, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है खास तौर से। और दशम भाव जो सत्ता का कारक माना जाता है ग्रह, वो सूर्य माना जाता है। दोनों की कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा, यहां पर मुझे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति बहुत स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन यहां सूर्य इनके राहुल गांधी जी की कुंडली में षष्ठ भाव में नजर आया। तो ऐसे में यहां हम पत्रिका जो देख रहे हैं वो लग्न के आधार पर, और रमन सिंह की पत्रिका और भूपेश बघेल जी की जो पत्रिका है वो चंद्र कुंडली के आधार पर। तो किसी बड़े ग्रह का या किसी वक्री कोई ग्रह ना होने की वजह से और किसी बड़े ग्रह का परिवर्तन, राशि परिवर्तन ना होने की वजह से ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति यहां पर नहीं दिखाई देती। और रहा दोनों की चंद्रकुंडली के आधार पर बताने का प्रयास,
तो ये सिर्फ चंद्र कुंडली के आधार पर हमने छोटा सा प्रेडिक्शन किया कि यहाँ पर हमें रमन सिंह के पत्रिका के अंदर जो ग्रह हैं वो उनके काफ़ी फेवर में नज़र आ रहे हैं। और भूपेश जी की जो पत्रिका है उसमें पत्रिका के अंदर स्वयं लग्न पर और स्वयं चंद्र राशि पर शनि का गोचर, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति यहाँ डिसबैलेंस हो सकती है। तो ये तो आप 11 तारीख को देखिएगा और जान लीजिएगा स्वयं कि किसके ग्रह किस पर भारी हैं। बस बताने का एक छोटा सा प्रयास कि किसके ग्रह किस ना किसी व्यक्ति विशेष पर भारी हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मुझे कोई ऐसा खास परिवर्तन होता हुआ नज़र नहीं आता और रमन सिंह की पत्रिका जो कि चंद्र कुंडली के आधार पर हमने देखा कहीं ना कहीं भूपेश जी की पत्रिका के ऊपर भारी नज़र आती है। तो मित्रों एस्ट्रो तक पर बस इतना ही। मैं आचार्य सचिन शिरोमणि फिर किसी नए विषय को लेकर आपकी सेवा में आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।